महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में घिरे हुए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली कर शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला किया था और इस शक्ति प्रदर्शन के प्रचार के लिए वो जिले जिले में घूमकर हल्ला काट रहे थे और उनके समर्थक भी जमकर मेहनत कर रहे थे कि तभी इस मामले में ट्विस्ट आता है और बृजभूषण सिंह खुद ही एक फेसबुक पोस्ट कर रैली को कैंसिल कर देते हैं और उसका कारण बताते हुए लिखते हैं कि उन्होंने रैली को वापस ले लिया है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जाति संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके, लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर बृजभूषण सिंह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से 5 जून को होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है। मैं पूरी अयोध्या को और आप लोगों को भी, पूरी मीडिया को, पूरी अयोध्या को, जन जन को और देश के भी, मतलब कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है, सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से, कह सकते हैं, हमने स्थगित किया है। और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, आपको भी। तो फिलहाल बृजभूषण सिंह जिस तेवर के साथ जन चेतना रैली को लेकर हुंकार भर रहे थे वो अब नर्म होता दिख रहा है। जिस जन चेतना रैली से बृजभूषण सिंह शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे, अब उस प्लान पर कुछ समय के लिए ही सही लेकिन विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रैली कब तक के लिए स्थगित की जाती है। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।